हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार, टेक टाइम में स्वागत है आपका। फ्रेंड्स, कभी कभी हमारे जो वाईफाई राउटर होता है उसका वाईफाई का पासवर्ड हम भूल जाते हैं, और उस केस में हमें वाईफाई राउटर को तो रीसेट करना पड़ता है और उसे दोबारा कॉन्फिगर करके पासवर्ड लगाना पड़ता है, या फिर हमें ईथरनेट केबल के थ्रू किसी कंप्यूटर सिस्टम पर एक्सेस करना होता है और वहाँ से हमें पासवर्ड रिकवर करना होता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इसको बिना वाईफाई के पासवर्ड से ही मोबाइल से कनेक्ट करेंगे और उसके पासवर्ड को रिकवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, उसके लिए फटाफट हम चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। और फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसको यहाँ पे इसके वाईफाई वाले ऑप्शन को ओपन करते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये इसका आ रहा है 10.38E80 करके। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन पासवर्ड मैं भूल चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, इसको कनेक्ट करने के लिए सिंपली हम इसके एडिशन सेटिंग में जाएंगे, और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलता है कनेक्ट WPS। तो फ्रेंड्स, ये कनेक्ट WPS जैसे होता है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ प्रेस द वाईफाई प्रोटेक्टेड सेटअप। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जो वाईफाई राउटर उसमें WPS का एक बटन होता है पीछे, ये देखिए, और रीसेट का भी होता है, तो उसको आप प्रेस करके थोड़ी देर रखेंगे तो WPS का फंक्शन इसमें इनेबल हो जाता है। और जैसे ही फ्रेंड्स ये फंक्शन इनेबल होता है, तो देखिए WPS सक्सेसेड कनेक्टिंग टू द नेटवर्क ने शो कर दिया, यानी कि ये WPS के थ्रू ये वाईफाई प्रोटेक्टेड जो होता है उसके थ्रू कनेक्टेड हो गया है। फ्रेंड्स, जैसे ये कनेक्ट हो जाता है, इसका मतलब कि हमारे मोबाइल से इसको एक्सेस जो है मिल चुका है। तो फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं फटाफट अपने फिर ब्राउज़र पे चलते हैं, ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर जो इसका आईपी एड्रेस होता है उसको फ्रेंड्स हम फटाफट यहाँ पे डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने पहले एक्सेस किया 192.168.0.1 जो कि इसका ऑलरेडी पासवर्ड है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूँ कि ये जो राउटर है वो 10.N301 है। तो फ्रेंड्स, पहले मैंने देखिए इसके उस पर पासवर्ड लगाया, एक फ्रेंड बाद में और बताना चाहूँगा, अगर आपने इस पर लॉगिन पासवर्ड अगर आप भूल गए तो आपको रीसेट करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपको लॉगिन पासवर्ड पता है तो आप सिंपली से यहाँ लॉगिन पासवर्ड डाल सकते हैं। और अगर आपने लॉगिन पासवर्ड यहाँ नहीं डाला हुआ है तो ये सिंपली आपका डायरेक्टली होम पेज पर आपको इसका ले जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ये वेब पेज ओपन हो गया है, और यहाँ पर भी कनेक्शन इसका जो है कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम दिखा रहा है। तो हमें फ्रेंड्स सिंपल से यहाँ पर जाना है वायरलेस सेटिंग में, और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि वाईफाई पासवर्ड का ये देखिए यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से हम अपना वाईफाई का जो पासवर्ड यहाँ से रिकवर कर सकते हैं बहुत ही इजी मेथड से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिली होगी। वीडियो से रिलेटेड जो भी कमेंट्स हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।